नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? पुनः एक बार सभी का स्वागत है। आज ये सभी साथी फटाफट सेशन को शेयर कर वनरक्षक परीक्षा, जो आज आपकी पहली पारी का एग्जाम हो चुका है, उसके ऊपर अपने अभी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप सभी के लिए रहेगी ये, और जो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे नहीं पूछे गए, उससे संबंधित मैं आप सभी के बीच में लाइव रूबरू हो चुका हूँ। बिल्कुल जी हाँ, सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। पुनः पुनः जल्दी जल्दी उत्तर पढ़ लेते हैं अपने। अगर आपको किसी भी कंपटीशन जीके की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो तैयारी करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए युद्ध पाठशाला एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा संपूर्ण राजस्थान जीके कोर्स। ये लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी उत्तर करवा देता हूँ। जीके वाले जितने भी सारे के सारे प्रश्न है, उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में निक्षण योजना से संबंधित प्रश्न आया है कि राजस्थान में निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है। ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, बीकानेर अलायंस से राम राम वीर जी, राम राम सभी को। राजगढ़ से राम राम, राम राम भाई सभी को, प्रणाम सभी को। देखो, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो ध्यान रख लेना ये टीबी के मरीजों के लिए है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद में उस्ता कला का पद का प्रयोग किस चित्र शैली के संदर्भ में किया गया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उस्ता कला दुनिया जानती है, बीकानेर में इसका क्या किया जाता है, संदर्भ किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि दो खेल पुरस्कारों में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार व महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया था। 1 लाख से बढ़ा के रिजव्यू है 5 लाख, ध्यान रखना। अब फटाफट उत्तर करवा रहा हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी बस इनको देख लेना, जिन दूसरी पारी में जिनका एग्जाम है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है, तो पप्पू जी को माना जाता है। एकदम आसान सा पेपर है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर है आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्षय तृतीया को बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखना अशोक यादव को सम्मानित किया गया था। ये करंट के क्वेश्चन जी हाँ बिल्कुल, बाड़मेर से प्रणाम, नमस्कार भाई पूनम जी आपको भी जी। फटाफट उत्तर बताइएगा सभी साथी, एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें, मैथ को छोड़कर तो अपने लगभग हल कर ही लेंगे ना। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी, देखो लंपी बीमारी हुई, दुनिया को पता है लंपी बीमारी जो हुई थी। अब लंपी बीमारी की वजह से गायों की मौत हुई थी, ज्यादा किसकी मौत होती है, मवेशियों की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जी हाँ बिल्कुल, प्रणाम सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार शेयर करो भाई सभी साथी ना, क्लास को शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। पुनः फिर जल्दी जल्दी उत्तर पढ़ लेते हैं इन सभी का। उत्तर पढ़ने के बाद में अपने फिर क्या करेंगे आराम से। हाँ बताओ भाई, उन्होंने मैसेज किया था क्या, वो मैसेज आ रखा है ग्रुप के अंदर, उन्होंने वो कह रहे फोन नहीं उठा रहे। हाँ तो बोल दो उनको। हाँ तो क्या दिक्कत है, नाम मैसेज आ रहे थे गजानंद चौधरी के नाम से। जी बिल्कुल, नेक्स्ट है उदयपुर महिला परिषद की संस्थापक कौन थी, तो शांता त्रिवेदी थी, ध्यान रख लेना। कौन थी, शांता त्रिवेदी थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है, तो 4 जिले स्थित है। कितने जिले हैं, 4 जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए, नाहरगढ़ में बने हुए, माधो सिंह ने उनका निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 2021 में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में संगन वन पाए जाते हैं, संगन वन शायद उदयपुर के अंदर, ये देख लेना भैया आप। और उसके बाद में है मानव में कुल कितने गुणसूत्र हैं, तो 46 पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद में प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में बालकों की पढ़ाई, बालिकाओं की पढ़ाई अब 10वीं तक कर दी गई है। उसके बाद में शांता त्रिवेदी ये पढ़ लिया ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है। बायोमास की विशाल संभावनाएं, बायोमास की विशाल संभावनाएं है वो ध्यान रख लेना किसके कारण से है। वो है सूखी लकड़ियां यानी सरसों की लकड़ियों के कारण से बायोमास की संभावनाएं ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, अपना ही चैनल है ये। जी बिल्कुल, ये अपना ही चैनल है। सुदरगढ़ भी कहते हैं, हाँ सुदर्शनगढ़ भी इसे कहते हैं, शाबाश वेरी गुड। पशुधन 2011 के अनुसार सर्वाधिक भैंसे कहां पर है, तो उदयपुर में भैंस सारों ज्यादा कट है, उदयपुर के अंदर है, ध्यान रख लियो, ठीक है। खेजड़ी वनस्पति जो प्रजाति है वो किस क्षेत्र में शामिल की गई है, तो ध्यान रखना
खेजड़ी वनस्पति प्रजाति है वो उष्ण कटिबंधीय कटिले क्षेत्र में शामिल की गई है। फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, ध्यान रखना। उसके बाद 19 से 20 अगस्त 2022 को डेजी फेस्ट आयोजित किया गया था, तो जयपुर में आयोजित किया जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या हुआ, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ, तो बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री के द्वारा किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था, तो दीपक था, तो दीपा लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें आगे, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। सर मैं 94 करके आया हूँ, राइट भी है, अच्छी बात है, अगर आप 94 करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये लो, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है। काजरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1959 में जिसकी क्या होती है, स्थापना होती है। नेक्स्ट आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उसके क्षेत्रों से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से सही नहीं है, तो बीकानेर वाला हो जाएगा। बमरसिया है वो कहाँ का है, अलवर भरतपुर का है, क्योंकि बीकानेर का क्या हो जाएगा, बीकानेर का जो नृत्य है वो नृत्य हो जाएगा आपका कौन सा, अग्नि नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में सीताबाड़ी मेला मुख्यतः कहाँ पर आयोजित किया जाता है, किस जनजाति के लिए आयोजित किया जाता है, प्रश्न ये है ना, तो सीताबाड़ी मेला है वो सहरिया जनजाति के लिए 12 में आयोजित किया जाता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातात्विक स्थल उत्खनन किया गया है, बताओ भाई राजस्थान में कहां पर किया गया है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो राजसमंद में है। किस प्रशस्ति की रचयिता कवियत्री व महेश भट्ट है, अत्रि कवित्री यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें आगे, ये थोड़ा देख लेना करंट वाला भाई, कौन सी योजना है वो शिक्षा के प्रोत्साहन नहीं, गुरु मित्र जीवन धारा सरस्वती लोक जुम्बिस कौन सी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था, तो राव सिंह था, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। एक योजना वाला 33 नंबर क्वेश्चन देख लेना भाई सभी साथी। सोने चांदी की हवेलियां कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना मैंडसर हो जाएगी, झुंझुनू। और उसके बाद में रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक पूछा था, तो हमीर हो जाएगा, नहीं गोविंद राज हो जाएगा रणथंभौर वालों का, ठीक है, हमीर प्रतापी शासक था यहाँ का। और उसके बाद में नोरेरा बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर चल रहा है, बांध का निर्माण कहाँ पर चल रहा है, तो काली सिंध नदी पर चल रहा है। 84 खंभों की छतरी है पूछी है, तो बूंदी में है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है, तो अनास पर हुआ है, ध्यान रखना। और उसके बाद में कौन सा आभूषण गले का नहीं पहना जाता है, तो गले में रखड़ी नहीं पहना जाता है, बाकी सारे आभूषण पहने जाते हैं। यहाँ पर परंपरागत विधि नहीं है, तो नाली हो जाएगी, जल संरक्षण की परंपरागत विधि, ठीक है जी, बिल्कुल बड़ा बड़ उत्तर बता रहा हूँ, आप सभी साथी देखते रहो, 2-4 मिनट में आपको सारा का सारा पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ये संग्रहित जल धारण की ऊर्जा है, इसमें कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि स्थित ऊर्जा होगी, बाकी देखो बांध के ऊपर, तो बांध से ऊपर जब जल को रोका जाता है और उसके बाद में जल खोला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा ही बनती है। बाकी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि साइंस का क्वेश्चन है सर ये, तो भाई थे जानो थारू काम जानो, देख लियो। फैदम मापने की इकाई है वो जल की गहराई होती है, उससे क्या मापा जाता है, जल की गहराई मापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कृष्ण मृग अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कृष्ण मृग अभयारण्य है वो बार बार पूछा जा रहा है ताल छापर, और ताल छापर स्थान कहाँ पर है, चूरू में है, तो गुरु द्रोणाचार्य के जन्मस्थली ये वहीं पर प्रसिद्ध है, ठीक है। थार पारकर गाय है वो गाय कहाँ पर पाई जाती है, ये शायद दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, थार पारकर है ना, इधर वाली साइड में, बाड़मेर साइड में पाई जाती है ये। किन दो शहरों में पैरा एथलेटिक अकादमी को बढ़ावा देने के लिए आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी, तो ध्यान रख लेना वो की जाएगी जोधपुर और जयपुर के अंदर, 20-20 करोड़ की लागत से की जाएगी, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसकी पीडीएफ है, वो पीडीएफ जीके विद गजानसर टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, जीके विद गजानसर टेलीग्राम पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ है मिल जाएगी। नेक्स्ट, कसमूल रंग का अर्थ होता है, कसमूल रंग कैसा रंग होता है ध्यान रखो, कसमूल रंग होता है वो होता है लाल रंग, कैसा रंग होता है लाल रंग होता है ध्यान रख लेना। जी बिल्कुल देख रहे हैं सर, आप बताते रहो, बिल्कुल देखते रहो आराम से, मैं आपको सोल्यूशन करवाता रहूंगा। हाँ सर जी, सीटी के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल सीटी के लिए तैयार है हम, बस आप तैयार हो जाओ, हम तो तैयार ही हैं, हम तो लगातार लग ही रहे हैं आपके लिए सुनील प्रजापत, हम तो देखो चाहे आपने रात तक आपने देखा होगा क्लासे हमने लंबी चौड़ी ली थी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपसे रेडी हो जाओ सीटी के लिए, बस कल से ही मिशन शुरू है अपना। आमागढ़ रिजरो खबरों में रहा था, यह प्रसिद्ध है लेपर्ड सफारी के लिए रहा है, जयपुर वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करा पा तो इधर आ जाओ, मान सीमा ब्रश नहीं गुजरता है, सवाई माधोपुर में है, धौलपुर में है, कोटा में है, बूंदी में, लेकिन उदयपुर में नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो भेड़ की नस्ल राठी को नहीं, क्योंकि राठी किंग नस्ल है, राठी तो गागी नस्ल है। ठीक है, कावड़ बनाने का प्रसिद्ध कलाकार कौन था, तो ध्यान रखना मांगीलाल मिस्त्री था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में। नेक्स्ट की बात करें अपने, हाँ अपनों पार कंप्यूटर साइंस तो सारा ना, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वाला शायद किशनगढ़ अजमेर है ये वाला, ठीक है देख लेना बाकी आप। और निम्न में से कौन सी नदी बारा जिले में प्रवाहित नहीं होती, शायद कुन्नू है। और उसके बाद में मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का आंदोलन शुरू किया था, तो जाडोल से शुरू किया था ध्यान रख लेना मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। हाँ हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, गुजरात सभी क्लास में तैयार रहते हैं जी, बिल्कुल रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। राठी गाय की है सर, एक मैराथन क्लास मैथ की क्लास चालू कर दो, प्लस सीटी टेम्पलेट चल रही है ना सुनील जी, शाम को चलती है, बाकी रीजनिंग की क्लास एक और शुरू करवा देता हूँ, मैथ की देखते हैं, रीजनिंग की एक क्लास आपके बीच शुरू करवा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ कुन्नू तो है ही सर, कुन्नू है के तो कौन सी कोने देख लियो थी, माँ पार्वती को नहीं, पार्वती को नहीं फिर मेरे साहब ने, परवन तो बारह में जाती है, कुराल है, कुन्नू है तो पार्वती नहीं होगी फिर, पार्वती भी तो कुराल, कुराल और पार्वती दो में कन्फ्यूजन है, देख लेना भैया आप। ठीक है, राजस्थान में पहली पर्यटन नीति कद लागू हुई, प्रश्न वो भी शानदार है, देखो पर्यटन नीति से संबंधित मैंने कहा था ना, पर्यटन नीति वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, सेकंड ग्रेड की प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसमें करवाया था ये मैंने, तो पर्यटन नीति 2001 में शुरू की गई थी, सितंबर 2001 में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ो जगन मारवाड़ वहां पर ताजमहल के वहां पर जोधपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आगे है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत है वो 1951-52 से शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में बना हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ध्यान रखना ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंप्यूटर चिप में ज्यादातर जो काम में आने वाली जो आईसी होती है, आईसी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ पार्वती धौलपुर में है जी, बिल्कुल पार्वती कर लेना तो ठीक है नी। नेक्स्ट, अमेल शरीर के किस भाग में पहनी जाती है, तो मेल वजह की मेल सोने की वजह की गले में पहनी जाए, ध्यान रख लियो। स्कूल पधारो जैसा ने लाडली बठाई कलेक्टर ही पहला बंद चलायो हो प्रोग्राम, अब तो टीना डाबी है वहां पर, लेकिन ये चलाया गया था 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वरेत कथा कोष का लेखक कौन है, तो वरेत कथा कोष का लेखक हरिसेन जी हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ समी बहु अपने पल्लव बारह है, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख हुक्मनामा चाकरी और तीन पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था, शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। वनरक्षक में पूछा गया सबसे शानदार क्वेश्चन, ठीक है कट करो इसको बीच में से और कर देगी तो चलो कोई ना। मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख हुक्मनामा और चाकरी से तीन पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था, तो राजवी कहलाते थे वो, ध्यान रखना छह ऑप्शन होगा, क्योंकि मारवाड़ में चार प्रकार के सामंतों की श्रेणियां हुआ करती थी। हाँ सर जी वो क्लास पर्सन उत्तर की होती है, थ्योरी की क्लास चालू करो, थ्योरी की होती है तो वो वैसे तो है ना, ये लो। नेक्स्ट आगे देखो, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी, अंतिम रियासत 1823 में करते हैं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में, राजस्थान में तीन प्रजामंडलों की स्थापना बाहर होती है, सिरोही भरतपुर बीकानेर, ठीक है ना। बाकी जैसे वो बाहर होती है अपने से राजस्थान से बाहर होती है वो तीन है, ध्यान रख लेना, तो इसकी रेवाड़ी में होती है, ध्यान रखना ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
राजस्थान में शीतकाल के दौरान जो वर्षा होती है उन चक्रवातों के परिणामों से होती है उसे क्या कहते हैं? अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, तो उसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर कहते हैं, ध्यान रख लेना। भूमध्य सागर से गोल्डन ड्रॉप्स होती है ना, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गोल्डन ड्रॉप्स जो वर्षाएं होती है, जो गोल्डन ड्रॉप्स हम पढ़ते हैं ना कि भाई रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, सुनहरी बूंदे जिसे कहा जाता है, चना व सरसों के लिए जो महत्वपूर्ण होती है, वो कहाँ से उठकर आती है? जिसको हम राजस्थान में माउट के रूप में जानते हैं, दिसंबर जनवरी में होने वाली बरसात। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा लिख दिया इसने, तो इसका मतलब ये कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से उठकर आती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला से संबंधित है? पिछवाइया कथा की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना। पिछवाइयों की अगर मैं बात करूं तो पिछवाइया है वो नाथ द्वारा चित्र से लिखी है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अब भाई साइंस को क्वेश्चन है, बाकी टेक्निकल टीम बतावा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई ध्यान को नहीं। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, प्रोटीन के लिए संश्लेषण, प्रोटीन को संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व की हुआ है तो नाइट्रोजन हुआ है, ठीक है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो वी एन मिश्र के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओ आपने पार को अपने मैथ और आपने सो दो बार है, ठीक है। रावण हत्या का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्या भोपों का वाद्य यंत्र हम पढ़ते हैं। हाँ, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये प्रजामंडल में आगे देखेंगे भैया, अजय कुमार जी ने रुका साहब, आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखो, मैं लंबी चौड़ी नहीं कराना चाहता, फटाफट आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। सम वर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, तो दो समान भागों में जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा अरावली के समांतर हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी, ध्यान रख लेना। फिर सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? ये देखना पड़ेगा भाई, रूफ टॉप संयंत्र, बाकी तो सारे क्लियर है अपने, करंट के और सब हमने पढ़ लिए। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र किस स्थान पर है? हाँ, सौर ऊर्जा में तो प्रथम स्थान पर है, रूफ टॉप संयंत्र में पूछा इसने। मेरे हिसाब से पहले स्थान पर है, बाकी देख लो आप। कौन से स्थान पर है? मेरा पेपर अब है सर सेंटर के बाहर ही हूँ। बिल्कुल महेंद्र जी, आप तुरंत फुरंत पेपर व्हाट्सअप कर देना मेरे को, अगर बाहर ही हो तो आप, ठीक है ना, तुरंत फुरंत व्हाट्सअप कर देना 96 वाले नंबरों पर, इनके ऊपर 9636325227 इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर देना पेपर, जैसे ही हो जाए आपका तुरंत फुरंत, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपने तो दूसरा किया लेकिन मेरे को, मैं गलत नहीं बताना चाहूंगा। विशिष्ट कोशिका में जनन की विधि है कौन? ध्यान भैया, टेक्निकल टीम वालों ध्यान है। हाँ, प्रश्न है यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है के है। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो वागड़ी के ऊपर है, ठीक है ना, दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। बड़ला सोलर पार्क थाने पूछ लिया तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो बड़ला सोलर पार्क थाने भी ध्यान है, मन भी ध्यान है, दुनिया भी ध्यान है। बड़ला सोलर पार्क है जो जोधपुर में स्थित है, कटा है जोधपुर में। 100 विद्यार्थी लाइव चलन आ रही, लाइव की संख्या फिर भी कम है, गलत बात है ये आपकी, है ना। हाँ, ईस्ट वाला करवाया था ना, मुकुलन होगा इसका, मुकुलन होगा, मुकुलन, शाबाश, वेरी गुड, सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी करवाया था ना, मुकुलन होगा इसका, ठीक है, मुकुलन हो जाएगा इसका। श्रेणी संख्या दी गई है 3, 8, 13, 253 का अंतिम छोर से 12वां पद है, गजब को प्रश्न है ना, रीजनिंग वो मैथ को है क्यों? मैथ भी हल करांगा आज, कोशिश करांगा आज, हालांकि पढ़े तो कभी को नहीं, पर आज आप हल कर सिया मैथ। ओलो नेक्स्ट पर्सन देखो, हेलो, हाँ पर्सन और हल कर लेवा जल्दी जल्दी। देखो अभी आपने सुख है, फटाफट एक पर जल्दी जल्दी हो जाए नहीं तो एक आप भी सुख हो जाए, जल्दी जल्दी आप पढ़ गए और फटाफट आप पेपर ना सोल्यूशन कर लेवा। पोटैटो इज ए मॉडिफाई, यानी आलू एक रूपांतरण है, आलू तने का रूपांतरण है, ध्यान रख लेना, किसका है? तने का रूपांतरण है जी, बिल्कुल वागड़ी होगा। हाँ,
भैंस रोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का स्थित पठारी बाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। 56 गो मैदान कांठल कुंठल टिब्बा टाबा पका ली पड़िया सारा। बड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है? बार बार पूछो जान रही हो बड़ला तो बड़लो जोधपुर के अंदर, ध्यान रखियो ठीक है नी। बिल्कुल शाबाश वेरी गुड। नए साथी सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई चैनल को ना, ये गलत बात है आपकी। 100 विद्यार्थी लाइव चल रहे हो और अभी लाइव की संख्या बहुत कम है, 40 ही लाइव की संख्या है ना, गलत बात है। फटाफट कीजिएगा, टेक्निकल टीम भी मेरे को बार बार दिखा रही है। हाँ सर जी ये तो बहुत इजी आया है ऊपर माल का पठार, क्या करें तो इजी आए हैं, तो इजी तो आए ही हैं पर मगर कर क्या सकते हैं। जैसे इंसा तारकसी का संबंध कहाँ से है? देखो तारकसी को प्रश्न देखो, तारकसी का संबंध कहाँ से है? तो तारकसी का संबंध है वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध तारकसी। अब ये प्रश्न कौन बताए? पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है बताओ भाई? धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है आप बता दो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी जल्दी। राजस्थान में, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान तो मेवाड़ से माना ही जाता है, हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान कहां से माना जाता है? मेवाड़ से माना जाता है। शाबाश वेरी गुड। धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ आसीमियम है, ध्यान रखना क्या होता है? आसीमियम होता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म स्थान कहां पर है? हरनावा गांव है। कौन सा गांव है? हरनावा गांव है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर बात आई आपके सामने कि इधर आ रहा है रामखोर, इधर उधर भागता फिरता रहता है, कभी कहना नहीं मानता। इधर इधर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासकों को मेवाड़ के अंदर हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है? महाराणा प्रताप आप किन के, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का बुला पिछला राजा, फॉरगेटन हीरो राजस्थान और की कही जाएगी है तो वो के वहां पर चंद्रसेन जी, किन के वहां? चंद्रसेन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार देखो भाई 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए, यह पुरस्कार किस खेल में स्थापित किए गए थे? तीसरी सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए, यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए थे? सोनल कलाल व अनाया गर्ग को जो पुरस्कार दिया गया था वो सीधा देख लो आप तो बस गूगल के ऊपर, फिर उत्तर बता देते हैं सभी साथियों को। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिया गया, यह किस खेल से स्थापित किया गया? क्रिकेट है क्या? क्रिकेट क्लब की सर्वश्रेष्ठ, जी बिल्कुल। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपके थे 100% जिनमें से हमने लगभग हल कर लिए हैं, और फिर भी युद्ध पाठशाला एप्लीकेशन के ऊपर अगर चाहिए राजस्थान जीके का कोर्स तो लीजिएगा अभी। 1 2 3 4 5 6 मैं बता रहा हूं कौन कौन से हल हमने कर लिए इसमें से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये देख लेना भैया 28 29 30 31 32 33 34 35 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ध्यान रख लेना ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर बांसवाड़ा जिले में कि अनास नदी के ऊपर बनाई गई, कितना गिन लिया मैं, कितना 35 गिन लिया के? हाँ सर जी इस पेपर में मेरा 90+ सही हो रहा है, देख लिया है, अच्छी बात है। 35 हो गया कि ठीक है, फिर बाद में 36 37 38
और 39, 40, इकतालीस, बयालीस, तिहालीस, चौवालीस, पैंतालीस, ठीक है। हाँ देख लेना, अभी मैंने अकेले ने कितने सोल्व करवाए आपको, 45, 45 हो गया क्या? हाँ एक तेरा एक मेरा करूंगा, वरना 45। फिर भी बाद में वो ला किसी ने कटा शायद, वो छोड़ो फिर। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 बाद में 56, 57, 58, 59, 59 यार, 60, 61, 62, 63, 64, 64 यार, 65, 66, वो कौन करे वहां पर, 66, 67, 68, 69, 70, 70 बाद में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। और मेरे ने अंडा ले आ गए थे, एक आदमी स्तंत्र क्वेश्चन करवा दिया, अब थे के बताओगा। हाँ अब एक लो लाग रहे हो, देखो थे मेरी टेक्निकल टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, राजेश को, संदीप जी, गुरजिया को, जका मतलब ही सहयोग के अंदर बने आ रहे, तो अब थे सारा लाइक कर दो सारा के सारा फटाफट। हाँ सर छाण में का बताना, छाण में को किशोरे की बेगाना की खान नागौर में, बेगाना खाने के राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध, नागौर में प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना ठीक है ना, बताए कौन होगा पहला दाना, तो अब देख लियो तो कोई बात को नहीं। हाँ तो बताओ 77 क्वेश्चन बता दिया, मैं तो टारगेट करियो थारा का, मैं करो 77 नंबर पक्के, 70 नंबर पक्के का टारगेट दिया था मैंने तो, और थाने कर दिया किता 77। अब बताओ तीन क्वेश्चन हम कंफ्यूजन है, बाकी मैं थारा तो दो तीन साइंस सर आपने कभी पार ही कौन पढ़िया, कभी भी राह गया ही कौन आपा, जहाँ पा कैमी करवावा है ठीक है। तो अब सारा जीवड़ा जा रे काम कर लियो, वो पेपर थाने मिल जाएगा अभी, जा टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, जीके विद गजान सर और आरबीडी पाठशाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोनों, ये लीजिए ठीक है। तो फिर चलू मैं, ओके दूसरो पेपर आ जाए तो मैंने भेज दिया, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।